2016 में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी और उसके बाद में निरंतर ये क्षेत्र की मांग रही है कि यहाँ से सही समाधान किया जाना चाहिए, यहाँ से पानी निकलने की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला प्रशासन से जब पिछली बार हम लोगों ने बैठक की थी तब कहा भी गया था कि हमने इसका स्थायी समाधान के लिए एक चैनल बना दिया है, जो चैनल पानी इस तरह की परिस्थिति भविष्य में नहीं होगी, लेकिन इस बारिश में ठीक वैसा ही परिस्थिति एक बार फिर बनी है। इसको जो है एक बार बरसात निकलने के बाद में आइंदा कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, इसके लिए हम सबको निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग दो दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। गर्ग डांगेवास के पास बिसलपुर फाटक के जलभराव क्षेत्रों का अवलोकन कर क्षेत्रवासियों से जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अधीर रंजन चौधरी जी ने कल जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किए, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश के सभी नागरिक, देश की महिलाएं और देश की आदिवासी समाज, इन सब के मन में क्षोभ भी है और आक्रोश भी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की थी कि क्योंकि ये विषय सहजता के साथ में अनायास ही स्लिप ऑफ टंग नहीं है, अपितु जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी जो एक आदिवासी परिवार की बेटी है और सुदूर उड़ीसा में एक छोटे से गांव से आने वाली हैं, उनका अपमान जिस तरह से जब से उनसे प्रत्याशी घोषित किया गया है तब से लगातार कांग्रेस के नेता अलग अलग कोनों से कर रहे हैं। कभी उनको कठपुतली की संज्ञा दी जा रही है और कभी उनको राष्ट्रपत्नी की संज्ञा दी जा रही है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी एक डिजाइंड तरीके से इस तरह से हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन को, सर्वोच्च पद को डिफाई करने के साथ साथ में उस पद पर एक आदिवासी महिला बैठे इसको पचा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि इसके लिए, इस कुकृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी की परिवार की मुखिया, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को इस विषय में माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने क्षोभ व्यक्त करना चाहिए और अपनी पार्टी के सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करनी। आगामी 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जोधपुर जिला के अध्यक्ष राघवेंद्र काछवाल ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में जोधपुर जिले के अधीनस्थ न्यायालय में पदस्थापित पीठासीन न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। काछवाल ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए।